अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़हीम अब्बास ऑफिशियल के साथ मैं हूँ फ़हीम अब्बास और इस वक्त हम मौजूद हैं अलामा इकबाल पार्क रावलपिंडी में। आपको नज़र आ रहा है कि हर तरफ हरियाली है और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम लोगों से इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे जो अभी बिलावल की ट्वीट आई है उसके बारे में कि कैंपें टाँक रही हैं, उसके बारे में लोग क्या ख्याल पेश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आपका नाम? भाई ज़िशान बोले। अच्छा ज़िशान साहब, आप क्या करते हैं? भाई मैं बीबीए आईटी कर रहा हूँ। किस यूनिवर्सिटी से? ये क्रिस्तान यूनिवर्सिटी क्रिस्टन से। अभी आप पार्क में हैं तो पार्क में क्या कर रहे हैं? पार्क में मैं असल में बहुत बोर हो रहा था, पूरे हफ्ते का स्टडी का आपको पता है मेरे संबंध ऊपर होता है, हो जाता है। जो बिलावल का अभी आया है इंटरव्यू के काम पे टांग रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बारे में बस एक ही शेर बोलूंगा कि रोज कहता हूँ उसे ज़ारे मोहब्बत कर दूँ, कि मैं उसे रोज कहता हूँ कि ज़ारे मोहब्बत कर दूँ, लेकिन जब वो सामने आता है तो काम पे टांग जाती है, जब वो सामने आता है तो काम पे टांग जाती है। फ्रेश होने के लिए यहाँ पे बाहर गए हैं। यहाँ पे ये प्यारा प्यारा माहौल आपको नजर आ रहा है, बहुत बेहतरीन माहौल है, यहाँ पर ग्रीनरी नजर आ रही है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सालों ने हाथ कानून में ले लिया है तो फिर मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? ट्वीट आई है कल कि मैंने हाथ कानून में ले लिया, ठीक है, तो हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि सरदारी साहब आप अपने बेटे को कम से कम उर्दू सिखा दे। ये जो आपकी ड्रेसिंग है ये भी इसी माहौल का असर है? बस क्या करें, ड्रेसिंग करनी पड़ती है, वैसे ड्रेसिंग करके आएंगे तभी ये माहौल हमें नजर आएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लाखों रुपए खर्च करके आप इस्लामाबाद आए हैं, इस्लामाबाद की सर जमीन हिल रही है। आपका जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा। क्या बोला तूने? इस्लामाबाद को हिला रहा। मतलब आप परमानेंट इस पार्क में हैं? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, हफ्ते बाद चक्कर लगता है, माइंड फ्रेश यहाँ से हो जाता है, फिर उसके बाद हफ्ता गुजर जाता है, माइंड जो है वो फ्रेश रहता है। अरे मैं क्या बताऊँ? लोगो इस्लामाबाद की कांपे ठांग रही है। इस्लामाबाद में कांपे ठांग रही है। क्या बोला तूने? कांपे ठांग रही है। वाह, कांपे ठांग जाती थी जब मैं पहले आता था, लेकिन अब ना कांपे ठांगती है ना कुछ, यहाँ पे बहुत मजा आता है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जी इसके वाले में बस मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा कि रोज़ मैं इरादा करता हूँ उसे मिलने का, रोज़ इरादा करता हूँ उसे मिलने का, लेकिन जब उसके अब्बे को दरवाजे पे देखता हूँ तो मेरी काम पे टांग जाती है। बस लाइफ का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। फैमिली को चाहिए कि मतलब हर हफ्ते में ना हफ्ते के एंड में यहाँ पर फैमिली और बच्चों को लाना चाहिए। म्यूजिक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।